कल परसों तक इन पे FIR दर्ज हो जाएगा। किसी को सपोर्ट नहीं करता है, जो लोग आकर के कैमरे पे बड़बड़ा देते हैं कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खा हूँ और मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मुकेश की हिम्मत कैसे हो गई कि बोलने की कि आप क्या कर पाइएगा, आप जो करना है आप कर लीजिए, हम देख लेंगे। आप लोग बताइएगा कौन सही है कौन गलती है, आप लोग बताइएगा, आप सब आप लोग के पास है कि अगर जनता फैसला नहीं करेगी, अगर मीडिया फैसला नहीं करेगी या फिर कोई फैसला नहीं करेगा, लास्ट ऑप्शन मेरा है कि कानून से मेरे को सहायता लेना पड़ेगा और कानून करेगी। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और बैठे हैं बीपी म्यूजिक के मालिक हैं मनीष जी, साथ साथ में अभिषेक राय यानी कि भोला, एक बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, खेसारी लाल यादव जी का एक गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है यानी कि दढ़िया बढ़िया लागेला। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि आखिर वो ओरिजिनल सॉन्ग किस सिंगर का है, तो इसी बात को लेकर जो है आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और पर्दाफाश करेंगे कि आखिर ओरिजिनल सिंगर कौन है और कौन खेल रहा है इतना बड़ा गेम एक छोटे से कलाकार के साथ, एक मिडिल क्लास के, एक स्ट्रगल पीरियड वाले सिंगर के साथ, जो कठिन परिश्रम करके अपने गाढ़ी कमाई का पैसा इन्वेस्ट करके जो है कोई कंटेंट बनाता है और उसके कंटेंट को लोग चोरी कर लेते हैं, छेड़छाड़ करते हैं उसके करियर के साथ। तो सबसे पहले मनीष जी, आपका स्वागत है BCT में। सबसे पहले मैं जो भी BCT न्यूज़ देख रहे हैं सभी जनता को मेरा प्रणाम है। और मेरा म्यूज़िक का जो चैनल है, जिस जो कंपनी है, वो उसका नाम है VP म्यूज़िक। तो VP म्यूज़िक से 10 महीने पहले जो है हमने गाना गवाया था भोला को, और वो लिखा था मुकेश। तो जो है कि अब उन्होंने जब लिखा, लिखने के बाद 10 महीने बाद उन्होंने क्या किया, खेसारी भैया को उन्होंने गाना दे दिया। अच्छा, अब देने के बाद उन्होंने यहाँ तक की धमकी दे दी कि जो करना है कर लीजिए, हम गाना नहीं ना उतरवाएंगे। जो करना है कर लीजिए, मतलब नहीं समझ पाए। मतलब ये है, उनका कहने का मतलब ये है कि हम तो देखिए अभी छोटी हमारी कंपनी है, हम लोग एक तरीके से छोटे कलाकारों को उभरता हुआ हम लोग लेके चलते हैं कि भाई आज के डेट में आवाज़ अच्छी है और अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करें। लेकिन जो है क्या होता है कि उसी तह पे जा करके मुकेश ने उस ऑडियो को दिया, सारा गाना मेरा लीक कर दिया। लीक करने के बाद क्या हुआ कि बोल रहे कि धमकी दे रहे कि क्या कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है, मतलब उनका कहने का मतलब है कि वो गाना जो है सुपरस्टार ने गाया है, आप छोटे कंपनी हैं या छोटे कलाकार हैं, आप क्या कर लोगे मेरा। हाँ, इस प्रकार देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके पापा से भी बात हुई है और खेसारी जी के, तो उन्होंने बोला कि ये तो गलत है लेकिन ठीक है, आप इनसे बड़े भाई से बात कर लीजिए। तो उनके बड़े भैया से बात हुई है, बाकी जो है कि मुकेश जी से बात हुई तो मुकेश जी ने बोला कि गाना नहीं उतरेगा और भूल जाइए गाने को। बच्चे को पर्सनली जो है कि ऑडियो कॉल करके उन्होंने बोला कि अरे तू टेंशन ना ले, हम बानी। अरे एक बात बताइए, किसी का जागीर लूट लेंगे और उसके बाद से आप आश्वासन देंगे कि हम हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उस गाने में जब छोड़े आप तो एक बार भी क्रेडिट इस बच्चे को नहीं दिए ना कंपनी को दिए कि हमने दूसरी कंपनी का गाना उठा करके खेसारी बोला। तो बता रहा है कि 5,000 रुपया लिया गया था एक गाने देने के। मैं बता रहा हूँ, देखिए 5,000 रुपया लिया गया था ब्रांड मैटर देने के लिए, क्योंकि आजकल के डेट में सिंगरों का बहुत सिंगर से लेकर के और जो राइटर हैं उनका बहुत वर्चस्व हो गया है कि भाई 10,000 लगेगा, ब्रांड मैटर एकदम लिखे हैं। तो हमको लगा कि नहीं, एक कंपनी से आगे चला जाएगा, लेकिन मेरा कुछ अलग प्लानिंग था कि जनवरी से मैं कुछ अलग करूँगा उस कंपनी के लिए, चूँकि बीच में थोड़ा सा डाउन टू अर्थ, आपको पता ही है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा कंपनी मेरा डाउन अर्थ हो गया था। लेकिन जनवरी से कुछ मेरा बहुत बड़ा प्लान था और इसी बीच में इन्होंने गेम खेल दिया, गाना चुरा लिया गया है जी, राइटर ने दे दिया है, कह रहा कुछ नहीं कर पाएंगे जी। तो उसके लिए आप कुछ किए, लीगल प्रोसेस होना चाहिए। हम तो बेकार में बोल देने से कोई फायदा नहीं। देखिए हम बता क्या करें, आप क्या किए हैं। मैं आपके पास तो चलो मान लिया प्रूफ है, एक हिसाब से आपके यूट्यूब पर जो है 10 महीने पहले गाना सुनिए। इस गाने को हमने पहले तो हमारी जो
कंपनी है उसके बिहाफ पे हम उस उन पे लीगल केस करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो उनका उन्होंने सॉन्ग दिया है मार्केट में, तो पहली बात है कि सारा सॉन्ग जो है कि उनका बैन कराएंगे, इसलिए क्योंकि आज अगर ये इतनी बड़ा कांड कर सकते हैं तो कल के डेट में बहुत कुछ कर सकते हैं। और इतनी बड़ी धमकी देने का मतलब क्या है कि आप कुछ नहीं कर पाइएगा, मतलब इसका मतलब ये है कि आप बाहुबली ओवर कॉन्फिडेंस और साथ साथ में जो है घमंड, क्या कहें। और एक चीज और है कि ये बच्चा है, ये गाता बहुत अच्छा है और आज कम से कम 60-70 गाने इसने मार्केट में गा रखे हैं। चूंकि हमारे बड़े भैया जय पंडित जी हैं, उनकी भी कंपनी से अभी मैंने, हम लोग साथ में ही सारे लोग अभी वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग जो है कि उनकी कंपनी से बेचारे का मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए, तो एग्रीमेंट अभी बंदे का कराया हूँ मैं, ठीक है। और एग्रीमेंट मेरे को लगता है कि फाइनल भी होने वाला है, एकदम एक साल हो गया। उनका जो है कैसे मिला आपको? देखिए हम लोग चूंकि इसमें सबसे बड़ा योगदान है विक्रांत रॉय जी का, और जो है कि उनके माध्यम से ये जो है कि लड़का मिला, और वो जो है इस इंडस्ट्री के ये लगा लीजिए कि एक तरीके से हमारे लिए और सब हमारे टीम के लिए एक तरीके से कृष्ण का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, भोला क्या कहना चाहोगे इस विषय पर? हम तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, पर ये बात, आप सिंगर हैं, आपका गाना चुरा लिया गया है, आपके राइटर ने आपसे 5,000 रुपये लेकर गाने को दूसरे को दे दिया है जी, और आपके कंपनी के मालिक बैठे हैं, बहुत कुछ चीजें कह रहे हैं। हाँ, जी, आपका क्या मत है, क्या कहना चाहते हैं? आप तो अभी स्टार्टिंग किए हैं, आपका मान के चलिए म्यूजिक लाइन में बहुत बड़ा कैरियर बन सकता है, आपका भविष्य इंतजार कर रहा है जी, आपके साथ ऐसा खिलवाड़ हुआ या छेड़छाड़ हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि नहीं तो गाना के उतरवाया जाए और नहीं तो माफी मांगे लाई भागवत खेसारी भैया। अगर खेसारी माफी मांग लेते हैं तो उससे आपको कुछ मिलेगा, कोई प्रॉफिट है, कोई फायदा है? मिलेगा तो नहीं, पर मतलब आपको एक जो है देखिए चिढ़न सी है कि भाई इनका हमारा कंटेंट, जैसे हमारी कंपनी है, हम यही चाहते हैं कि उस चीज़ का उनको पछतावा और या पश्चाताप हो, क्योंकि देखिए कोई भी कुछ भी लिख के दे देगा, वो गा देते हैं और फिर विवादों में घिर जाते हैं। मेरा कहना ये है कि ऐसे विवादों में ना घिरे और ऐसे राइटरों के चक्कर में ना पड़े जो कि विवाद में ही रहते हैं हमेशा, और उन लोगों के चक्कर में क्या लगता है आप लोगों, क्योंकि ये लोग जानबूझकर कंट्रोवर्सी जनरेट करते हैं ना। आप एक बात बताइए, एक साल पहले जो गाना जो है अपलोड है, उसी गाने को दोबारा अपलोड कर देना, यह क्या है, कंट्रोवर्सी तो है? और एक चीज और है, हम बता रहे हैं कि अगर जनता फैसला नहीं करेगी, अगर मीडिया फैसला नहीं करेगी, या फिर कोई फैसला नहीं करेगा, लास्ट ऑप्शन मेरा है कि कानून से मेरे को सहायता लेना पड़ेगा और कानून करेगी, क्योंकि उनसे पहले सारा चीज, और उन्होंने लाइव आकर के यहां तक भी बोला है कि मैंने अपने भाई का, एक बात बताइए कि एक सीधी सी सिंपल सी बात है कि इस बच्चे का कैरियर का सवाल है, हम ये मान रहे हैं कि इसके लिए खाली एक भी जनता ने, एक जनता ने इसको सपोर्ट किया, लेकिन किया ना उस गाने को आप, पब्लिक तो चलो बैटर की मैटर वो तो करेगा, पेमेंट ले रखे हैं ना 5,000 रुपए, एक बड़ा अमाउंट है। देखिए किसमें नहीं होता है, 5,000 उसका लगता है, म्यूजिक का लगता है, बहुत सारी चीजें हैं, प्लस बच्चा कहाँ से अफोर्ड कर पाता है ये मैटर करता है ना। ये अभी 12-13 साल का होगा, इसको हम लोग सोचे हैं कि थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसकी गला बहुत अच्छा है, आवाज़ बहुत अच्छा इसका है और गाना बहुत अच्छा गाता है। चूँकि जब कल्लू जी छोटे थे तो सेम उनकी आवाज़ ये गाता है, तो मेरे को अच्छा लगा कि नहीं भाई इसके करना चाहिए। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भरपाई तो उनको करना पड़ेगा, ठीक है, वो या तो लीगली तरीके से करे या इनलीगल तरीके से करे। आपको क्या लगता है, भोजपुरी में तो आए दिन ऐसे मैटर होते रहते हैं, लोग जो बड़े बड़े स्टार हैं छोटे छोटे कलाकारों के गाने गा दिया करते हैं, कुछ नहीं होता है, लोग तो नहीं नहीं, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, अब इसमें देखिएगा कंट्रोवर्सी किसका आएगा, पवन भैया का आ जाएगा कि पवन सिंह ने कराया है, तो मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि भाई ना पवन भैया ने कराया है ना खेसारी भैया ने कराया है, हमारी कंपनी का गाना था वो हमने कराया है।
क्या लगता है गाना उतर जाएगा क्या? देखिए अगर गाना नहीं उतरेगा तो हम लीगल एक्शन लेंगे, और हो सकता है कि हमारा प्लानिंग चल रहा है कि हमारी बातचीत चल रही है, हो सकता है कल परसों तक इन पे FIR दर्ज हो जाएगा। एक चीज तो मैंने आपसे पूछा था, आपने जवाब नहीं। ऐसे तो इन लोगों का आदत पड़ चुका है ना, चाहे राइटर हो, चाहे छोटे राइटर हो, चाहे बड़े राइटर हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कंटेंट उठाकर स्टारों से गवा ही देते हैं। होता कुछ नहीं है, इन लोगों का मन बढ़ा हुआ है। देखिए मन बढ़ा हुआ है, इसी मन बढ़ने के चक्कर में मेरा ये लास्ट स्टेप रहेगा, चाहे कोई नाराज रहेगा और चाहे खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है, मैं इतनी बड़ी बयान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। जो लोग आकर के कैमरे पे बड़बड़ा देते हैं कि मैं बहुत बड़ा तीसमार खां हूं और मैं बहुत बड़ा समर्थक हूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इंडस्ट्री के पीछे जाकर के देखेंगे तो सब एक दूसरे का पैर खींचते हैं। और रही बात कि इस बच्चे का, तो हम जाएंगे, हम कोर्ट तक भी जाएंगे, हम FIR भी करेंगे और सारा चीज करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जनता का सपोर्ट रहेगा और जो अंधभक्त है सुपरस्टारों का वो थोड़ा सा दूर हो जाए भाई लोग। क्योंकि एक बात बताइए, आप लोग बताइए, ये बच्चा है क्या, ये इसको भी राजनीति में आप लोग ले लीजिएगा? जाहिर सी बात है, इसको भी राजनीति में ले लीजिएगा आप लोग कि हाँ नहीं ये फलाक किए हैं। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा दोनों गाने का कि कौन कब रिलीज हुआ है, क्या क्या मैटर है, आप लोग एनालिसिस करिएगा और अपने हिसाब से जो है आपका जो भी हो सकेगा कमेंट करके जरूर सलाह दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, अच्छा मुकेश की हिम्मत कैसे हो गई कि बोलने की कि आप क्या कर पाइएगा, आप जो करना है आप कर लीजिए, हम देख लेंगे। यानी कि उनके पीछे तो बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए इतना गर्व में बोल सकते हैं। एक आदमी हमारे जैसा नॉर्मल आदमी नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, नहीं बोल सकता है। या तो मेरे पीछे बहुत बड़ा हाथ हो या तो कुछ हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैटर अब थमेगा नहीं, क्योंकि देखिए ये गाने का सवाल नहीं है, ये चोरी का सवाल नहीं है, एक आत्मविश्वास का सवाल है और एक घात का सवाल है। छोटे से कलाकार के पूरे लाइफ यानी कि करियर का सवाल है भाई। हाँ, इस बच्चे का एक बात बताइए, हम मम्मी ला करके खिलौना दे देती है और उसको दोबारा तोड़ देगी तो ठीक है, तोड़ तो दिया उसने, माने तो तोड़ दिया, लेकिन एक बात बताइए कहाँ तक वो माँ पत्थर दिल होगी कि अपने बच्चे की खुशी के लिए अपना खिलौना तोड़ देगी। तो इसी बिहा पे एक राइटर जो होते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो राइटर होता है अहम भूमिका होता है वो माँ का होता है, क्योंकि वो लोग परोसते हैं। अब बाप तो इतना ही कर सकता है ना कि बच्चे को प्रोत्साहन दे सकता है, उस पर पैसे लगा सकता है, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ को मतलब आपका कहने मतलब देना है। जो राइटर हैं ये लोग, ये मतलब नियत विहीन है, मतलब इनका कोई भरोसा नहीं किया जाता। देखिए राइटर है कब किधर, अच्छा इतने बढ़िया बढ़िया गाना चल रहे हैं मार्केट में, इतना बढ़िया बढ़िया गाना हो रहा है मार्केट में, ठीक है, लोग अश्लीलियत पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अरे भाई अश्लीलियत क्यों, अच्छे अच्छे कलाकार भी तो हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां भी तो हैं, आप सपोर्ट करिए ना। इसी बात पे आए दिन विवाद चलता रहता है। और इस बच्चे का मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये बच्चा एक्शन ले या ना ले हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि भाई हमारी कंपनी है और हम अपनी कंपनी के लिए कुछ भी करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो है आपने कीमती समय दिया है BCT पर। भोला आप कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते आखिरी में मित्रों से? जी सबको प्रणाम, और आप लोग बताइएगा कौन सही है कौन गलती है, आप लोग बताइएगा, सब आप लोग के पास है। दोस्तों अभी बच्चा है, लड़का है भोला अभिषेक, जो इसका गाना अगर आप सुनना चाहते हैं तो YouTube पर सर्च करिएगा डढ़िया बढ़िया लागेला, पहला गाना रिलीज इन्हीं का है। मैं किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सा कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, कोई भी क्यों ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे कलाकार हैं कि जिनका करियर दांव पर लगा हुआ है, बहुत से तो कलाकार ऐसे हैं कि अपना बहुत ढेर सारा समय बेकार करके इस इंडस्ट्री में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके साथ आए दिन ऐसे खिलवाड़ होता रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए, बाकी बने रहिए BCT पर, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।